भक्त चरित्र गाथा में हम ले रहे हैं श्री जगन्नाथ पुरंदर और मां शची देवी का जीवन वृतांत। ये दोनों श्रीमन महाप्रभु के इस व्यवहारिक जगत में माता पिता थे। दोनों ही यानी कि श्री जगन्नाथ और शची देवी श्रीमन महाप्रभु श्री गौरांग के माता पिता हैं, यानी उनकी संधिनी शक्ति के मूर्त विग्रह हैं। आपको पता ही है कि महाप्रभु भगवान ब्रजेंद्र नंदन हैं और इसीलिए शची देवी यशोदा मैया हैं और जगन्नाथ जी नंद बाबा उनके अवतार हैं। तो श्रीमन महाप्रभु की समस्त लीलाओं के वे मुख्य दर्शक और आस्वादक भी हैं। श्रीमन महाप्रभु जो कि यहाँ भक्त स्वरूप को अंगीकार करके आए हैं, उसी प्रकार का रोल निभा रहे हैं यहाँ श्री जगन्नाथ पुरंदर और श्री शची देवी भी। तो श्रीमन महाप्रभु के वात्सल्य रस के मूल आश्रय हैं ये दोनों ही, और माता पिता होकर भी इनकी दास से भावमयी सेवा है। तो मिश्र जगन्नाथ और माता शची देवी से लौकिक रीति की तरह श्री गौरांग भगवान जन्म ग्रहण नहीं करते। जिस समय जहां भी भगवान प्रकट होते हैं तो वहां वे आविर्भूत मात्र होते हैं। उनका जन्म कर्म सर्वदा दिव्य रहता है, ये आप जानते हैं। कई कार्यक्रम हमने इसके बारे में आपको सुनाए, जन्म कर्म चा मे दिव्यमेवम भगवान ने कहा है। तो प्रकट नवद्वीप लीला में श्री जगन्नाथ जी श्री उपेंद्र मिश्र के पुत्र और श्री मधु मिश्र के पौत्र थे। पुरंदर इनकी उपाधि थी। शची देवी बेलपुकुर निवासी श्री नीलांबर चक्रवर्ती की कन्या थी। इस दंपत्ति को क्रमशः यथा समय 8 कन्याएं उत्पन्न हुई और उत्पन्न होने के बाद उनका तिरोधान भी हो गया। उसके बाद श्री कृष्ण की विशुद्ध भक्ति के कारण इन्हें पहले एक पुत्र श्री विश्वरूप जी प्राप्त हुए और दूसरे पुत्र के रूप में श्रीमन महाप्रभु गौरांग या विश्वंभर इनके यहाँ आविर्भूत हुए। महाप्रभु अभी छोटे ही शिशु थे। ये दोनों अनेक देवताओं को उनकी स्तुति करते देखते हैं। नंगे पांव होने पर भी ये उनके चरणों में कभी नूपुरों की ध्वनि सुनते, कभी वंशी ध्वनि ने आश्चर्य में डाल देती। श्री निमाई को उन्होंने कृष्ण रूप में भी कई बार देखा। श्री विश्वरूप के गृह त्याग और संन्यास के बाद मिश्र जी थोड़े ही दिन प्रकट रहे, किंतु शची मैया ने महाप्रभु की समस्त लीलाओं को देखा। पारमार्थिक गृहस्थ जीवन में माता का और सहधर्मिणी का सर्वश्रेष्ठ आदर्श स्थापित किया देवी शची ने। श्री विश्वरूप और श्री विश्वंभर जैसे सर्वेश्वर भगवान को पुत्र रूप में जिसने प्राप्त किया, फिर जिसके दोनों ही पुत्र जीव जगत का कल्याण करने के लिए घर बार छोड़कर सन्यासी हो गए, जिसके स्वामी श्री जगन्नाथ शुद्ध सत्व के मूर्त विग्रह थे, जिसकी पुत्र वधु मूर्तिमती लक्ष्मी थी, उस शची माँ का दैन्य देखकर मानव प्राण स्तंभित हो उठते हैं। माता शची का समस्त गृह कार्य श्री भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में था। उनका संसार वास्तव में श्री कृष्ण का संसार था। एक दिन गौरांग महाप्रभु ने उनसे कहा, मैया मुझे एक दान करोगी? शची मैया ने कहा, हाँ हाँ बेटा बोलो ना, क्या मांगते हो? तो महाप्रभु बोले, माँ मुझे यही दान दो कि तुम एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया करो। माँ ने वचन दिया, आज से मैं एकादशी के दिन अन्न नहीं खाऊंगी। उस दिन के बाद वे एकादशी व्रत करने लगी। एक दिन श्रीमन महाप्रभु विष्णु सिंहासन पर जा बैठे और बोले, मैं ही कलयुग में श्री कृष्ण हूँ, मैं ही श्री नारायण और श्री राम हूँ। अद्वैत श्रीनिवास, मांगो मांगो, मैं क्षीर सागर छोड़कर प्रेम भक्ति का दान देने आया हूँ। प्रभु के इस महाप्रकाश को देखकर श्री नित्यानंद प्रभु एक छत्र लेकर खड़े हो गए, श्री गदाधर तांबूल लेकर। चारों ओर भक्तों की भीड़ जुट गई। हर भक्त ने अपने मनोभीष्ट को प्रभु को निवेदन किया और सबको प्रभु ने उनकी कामनाओं की पूर्ति का वरदान देकर प्रेम भक्ति प्रदान किया। पास में शची मैया भी ये सब लीला देख रही थी बड़ी ही दीन भाव से। श्रीनिवास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैया शची को भी प्रेम भक्ति का दान दीजिए, इससे हम सब कृतार्थ हो जाएंगे। श्रीमन महाप्रभु बोले, श्रीनिवास शची के लिए ऐसी बात मत कहो, इसे प्रेम भक्ति नहीं दूंगा, इसका वैष्णव के प्रति अपराध है, वैष्णव अपराधी को प्रेम भक्ति नहीं मिल सकती। देखिये उस समय महाप्रभु अपने ईश्वर प्रकाश में थे, इसलिए शची मैया के लिए इस प्रकार से कहा उन्होंने। सुनते ही श्रीनिवास चौंक पड़े, बोले, प्रभु ऐसा है तो हम सब अपने प्राणों का त्याग करेंगे, आप जैसा पुत्र जिसका, उसका प्रेम भक्ति पर अधिकार नहीं? सबका जीवन प्राण है माता शची, जगत जननी है शची मैया, प्रभु छल बल छोड़कर आप इन्हें प्रेम भक्ति दान कीजिए, इनका यदि कोई वैष्णव अपराध है तो उसे क्षमा कीजिए। महाप्रभु ने कहा, श्रीनिवास वैष्णव अपराध तो वही खंडन कर सकता है जिसके प्रति अपराध होता है, मैं वैष्णव अपराध को खंडन नहीं कर सकता।
दुर्वासा का अपराध राजा अम्बरीश ही क्षमा कर सके, स्वयं भगवान भी नहीं। इसका अपराध है श्री अद्वैताचार्य के प्रति, केवल वही इसके अपराध को क्षमा कर सकते हैं। सब मिलकर श्री अद्वैत प्रभु के निकट आए। अद्वैत प्रभु बोले, क्या कह रहे हैं आप और क्या कह रहे हैं श्री गौरांग? विष्णु भक्ति स्वरूपिणी शची में वैष्णव अपराध, फिर मेरे प्रति अपराध, इससे बढ़कर प्राणांत दुख मेरे पक्ष में और क्या हो सकता है? आचार्य प्रभु ने यह कहा और वो मूर्छित हो गए। माता शची ने झट से उनकी चरण धूली ली और मस्तक पर लगाई और लगाते ही बेसुध हो गई शची जी। सबने हरी हरी ध्वनि की। चेतना आने पर माता के साथ सब प्रभु के पास आए। महाप्रभु बोले, अब तुम्हारे में श्री विष्णु की प्रेम भक्ति उदित हुई है, क्योंकि तुमने अद्वैताचार्य की चरण धूली लेकर उनके प्रति किए गए अपराध का मार्जन कर लिया है। परम साध्वी साक्षात विष्णु भक्ति स्वरूपिणी माता शची, श्री भगवान की सदा नित्य जननी, उसमें भी अपराध? जी हाँ, केवल साधक जीवों को शिक्षा देने के लिए और उन्हें वैष्णव अपराध से सावधान कराने के लिए ही जगत शिक्षा गुरु भगवान ने ये लीला रची। अपराध भी क्या, केवल यही ना कि माता शची के प्रथम पुत्र श्री विश्वरूप सदा श्री अद्वैत प्रभु के सत्संग में रहते, सर्व शास्त्रों का सार भगवत भजन जानकर इस असार संसार को छोड़ वो सन्यासी हो गए। पति वियोगिनी माता के लिए जिसको 8 कन्याओं के बाद वो पुत्र प्राप्त हुआ था, पुत्र का वियोग असह्य था, उस वेदना को तो केवल वही जान सकती थी। शची मैया मन में सोचती, विश्वरूप निरंतर अद्वैत के संग में रहता था, उन्होंने ही मेरे पुत्र को संसार से विरक्त कर दिया। इस बात को मगर वो कभी मुंह पर ना ला सकी, मन में ऐसा सोच कर रह गई। आगे चलकर श्री गौरांग विश्वंभर भी श्री अद्वैताचार्य के पास उठने बैठने लगे। श्रीमन महाप्रभु का विवाह हो चुका था, श्री विष्णु प्रिया जी घर को विभूषित कर रही थी। तब भी श्री गौरांग रात प्रभात श्री अद्वैत की सभा में ही अनुरक्त दिखते थे। शची मैया को विश्व रूप के संन्यास की वेदना भूली नहीं जाती थी, वो सदा याद रखती थी। शची मैया दुखित होकर मन में कहती, हाय, इस बूढ़े अद्वैत ने मेरा घर उजाड़ डाला। हर समय विश्वरूप को संसार की असारता का उपदेश देता था, वो चंद्र के समान मेरा पुत्र मुझ अनाथनी को छोड़कर चला गया। हाय हाय, मुझ पर तो किसी को दया नहीं आती, अब गौरांग को भी ये घर में नहीं टिकने देता। जगत के लिए अद्वैत होगा, मेरे लिए तो द्वैत झगड़े की माया फैला रहा है। इतना ही अपराध था, किंतु श्रीमन महाप्रभु को इतना भी माता का मानसिक वैष्णव अपराध सहन ना हुआ। इस प्रकार अनेक बार माता शची पुत्र की परमार्थ शिक्षा को सुनती और पालन करती। 8 कन्याओं की मृत्यु, विश्वरूप का संन्यास, पति का विच्छेद, प्राण प्रिय पुत्र वधु श्री लक्ष्मी प्रिया का अंतर्धान और अंत में श्री गौरांग का संन्यास, ऐसी असहाय अवस्था, फिर युवती पुत्र वधु श्री विष्णु प्रिया की रक्षा का भार, ऐसी शत शत बाधा विपत्तियों में भी माता शची परमार्थ पद से बिंदु मात्र विचलित ना हुई। जगत जीवों के उद्धार के लिए अपने पुत्र श्री गौरांग के संन्यास लेने में भी अविचलित रही। उनसे परमार्थ वस्तु प्रेम भक्ति को ही लाभ किया। कैसा आदर्शमय जीवन है माता शची का। तो ये था शची मैया के जीवन का वृत्तांत।